असम के गुवाहाटी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कामाख्या मंदिर में दर्शन किए और इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे मां कामाख्या के दर्शन करने का अवसर मिला है। मैं पूरे हरियाणा के उज्जवल भविष्य, उनके स्वास्थ्य और हरियाणा और पूरे देश की नई ऊंचाइयों को छूने की प्रार्थना करता हूं। यहां आकर मैं देख सकता हूं कि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ईमानदारी से इस राज्य को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार यहां विकास के लिए मजबूती से काम कर रही है। और गति से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र में हमारा हरियाणा का भी पूरा शक्ति के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ 2047 तक विकसित राष्ट्र में अहम भूमिका अदा करेगा। हाँ, मैंने कहा है कि हरियाणा के अंदर भी अभी दो महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हैं, अक्टूबर के अंदर चुनाव हैं और हरियाणा के अंदर भी हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार मजबूती से बनाएंगे। हमने देखा है पिछले 10 वर्षों में हरियाणा को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए, इसकी चर्चा हमारा आम व्यक्ति भी हरियाणा का वो करता है कि नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार में आज ये हरियाणा प्रदेश बदला है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है। आज किसानों को भी इस बात का बड़ा विश्वास है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसल का खराबा हो जाता है तो सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के किसान को सहयोग करने के लिए तत्पर रहती है। महिलाओं के लिए भी नई नई नीतियां योजनाएं बनाकर उनको सशक्त करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई डबल इंजन सरकार के नेतृत्व के अंदर हमारी सरकार कर रही है। एक योजनाबद्ध तरीके से गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई ये हमारी सरकार लड़ रही है और उसका चर्चा भी आम व्यक्ति करता है और आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर जब हम इतने काम गरीब के हित में, किसान के हित में, महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में मजबूत कदम उठा रहे हैं, ईमानदारी से उठा रहे हैं, हरियाणा प्रदेश भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब तीसरी बार देश के प्रधान सेवक बनते हैं तो हरियाणा भी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएगा।